अपने निधन के बाद सुशांत सिंह राजपूत इतना धमाकेदार रिकॉर्ड बना देंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लोगों की दीवानगी उनके लिए किस कदर है, काश सुशांत ये सब देख पाते। सुशांत की फिल्म छिछोरे को चीन में रिलीज किया गया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना के बीच ये फिल्म वहां धुआंधार कमाई कर रही है। सिर्फ एक हफ्ते में इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और वो भी तब जब चीन में ये सिर्फ गिने चुने सिनेमा हॉल्स में रिलीज की गई है। चीन में इस वक्त सुशांत का जबरदस्त क्रेज है, छिछोरे को वहां इतना प्यार मिल रहा है कि इसे देखने के लिए लोगों की वेटिंग है और इसे देखने वाले भारतीय नहीं बल्कि सारे के सारे चीनी हैं। फिल्म का ऐसा कमाल देखकर छिछोरे के डायरेक्टर नितेश तिवारी फूले नहीं समा रहे हैं। छिछोरे ने भारत में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया था। खासकर यंगस्टर्स को इस फिल्म ने बहुत प्रभावित किया था। क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को साल की सबसे अच्छी फिल्म कहा था। इसके बावजूद भी ये फिल्म भारत में कोई बड़ा अवार्ड नहीं जीत पाई थी और इसी वजह से सुशांत काफी डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन आज यही फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर धमाल मचा रही है। काश सुशांत अपनी इस सफलता को अपनी आंखों से देख पाते। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।